जनपद जालौन के कोंच में भारत सरकार के निर्देश अनुसार डिजिटल माध्यम से शासकीय कार्यक्रम करने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए डिजिटल धन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के एवं बैंकों के स्टॉल भी लगाए गए, जिनके माध्यम से उपभोक्ताओं को डिजिटल धन मेला के बारे में बताया गया, किस प्रकार का भुगतान करने के कैशलेस सेवा की जानकारी दी गई। तो वही इस अवसर पर तहसील परिसर में टेलीविजन के माध्यम से भारत के सूचना प्रसार मंत्री का उद्बोधन भी सुनवाया गया। इस मौके पर भाजपा विधायक मूलचंद्र निरंजन भी पहुंचे और उप जिला अधिकारी मोइनुल इस्लाम ने लगे हुए स्टॉलों पर जाकर जानकारी ली, कैशलेस सेवा के बारे में लोगों को जागरूक किया। उप जिला अधिकारी ने बताया कि शासन के आदेश पर डिजिटल धन मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें व्यापारियों एवं विद्युत उपभोक्ता एवं मोबाइल उपभोक्ता बैंक ग्राहकों के अलावा सरकारी विभागों के कार्य करवाए जा सकते हैं, जिससे व्यक्तियों को सभी कार्य सुलभता पूर्वक होंगे और तहसील परिसर में बाबा साहेब का जन्म दिवस मनाकर पुष्प अर्पित किए गए। तहसील कोंच में आज डिजी धन मेले का आयोजन किया गया है और इस मेले के माध्यम से तहसील कोंच की जनता को, व्यापारी बंधुओं को इस बात की जानकारी दी जा रही है कि सरकारी विभागों में कौन कौन सी योजनाएं ऑनलाइन हो गई हैं और वे उनका किस प्रकार लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल तरीके से भुगतान करने के लिए, ऑनलाइन भुगतान करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रशिक्षित किया जा रहा है, जानकारी प्रदान कराई जा रही है। इससे लोगों को सर क्या लाभ मिल रहा है? इससे लोगों को लाभ ये मिल रहा है कि वो मौके पर ही अपने बैंक खाते को अपने आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं, अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं और शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में उनको अवगत कराया जा रहा है। मौके पर ही जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी आवेदन कराए जा रहे हैं। इसके अलावा विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन के पंजीकरण ऑनलाइन कराया जा रहा है और विभिन्न विभागों के द्वारा जो ऑनलाइन कार्यक्रम संचालित होते हैं उसके बारे में भी उनको जानकारी प्रदान कराई जा रही है। अच्छा सर, इसके लिए कोई टीम है जानकारी देने के लिए? हाँ, सभी विभाग जो हैं उनकी जिम्मेदारी है, उनके द्वारा अपने कैंप लगाए गए हैं और अपने प्रतिनिधि उन स्टॉल पर बिठाए गए हैं और वो अपने विभाग से संबंधित जानकारी जनता को उपलब्ध करा रहे हैं।